जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार ग्राउंड के अंदर। मेरे साथ बहुत ही पुराने रियाज साहब मौजूद हैं, ये इस ग्राउंड के क्रिएटर भी हैं और काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शालीमार ग्राउंड के हवाले से इनसे पूछते हैं कि इनकी कितनी सर्विस होगी और किस तरह की पिचें तैयार करते हैं क्रिकेट के लिए अभी, और अपना तारा भी कराएँ। रियाज साहब जी, रियाज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं पिछले तकरीबन कोई 15 साल से इस ग्राउंड को देख रहा हूँ और इसमें हमारे पास अकेडमीज भी हैं, सीनियर क्लबी के हैं और वेटरन ने भी, बूढ़े भी खेलते हैं, ठीक है जी। और इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास मैच होते हैं। और हमारी इधर 3 अकेडमियाँ हैं, अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, उसके बाद सीनियर क्लब आ जाता है। 13 में इस दफ़ा हमारे बच्चे जो नॉर्दर्न की तरफ से 2 बच्चे हमारे खेले हैं अंडर 13 में, PCB का इवेंट है, और 16 में हमारे 2 बच्चे खेले हैं। 16 में इसी तरह हमारे 2-3 बच्चे हैं और ये इसी तरह खेलते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो अपना एट अ टाइम किस तरह के बच्चे आते हैं? एक तो आपने पता अंडर 13 भी हैं, अंडर 14 भी हैं और अंडर 18 भी हैं, और इसमें बच्चों में क्या पोटेंशियल देखते हैं कि ये वाकई छोटी एज के बच्चों को ये क्रिकेट में हार्ड बॉल के साथ आना चाहिए, या इसमें अभी थोड़ी सी और चाहिए होता है उम्र का? किस उम्र के बच्चों को ज़्यादा इसमें एकेडमी में आना चाहिए? ठीक है जी, बेस्ट जो एज होती है बच्चों की वो 10 साल की एज होती है। 10 साल 9 10 11 साल का बच्चा अगर आ जाता है, उस पर मेहनत होती है, कोचेज उसको वहीं से सिखाना शुरू करते हैं, तो बच्चा माशाल्लाह, कुछ बच्चे 2-3-4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर आना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अगर वो छोटी अकेडमीज़ को, अंडर एज बच्चों को 10-11-12 साल से वो उठाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेटर आते ही रहेंगे, और आते रहे हैं, आते भी रहेंगे इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि ये जो बच्चे आते हैं किस बैकग्राउंड से आते हैं? इस्लामाबाद की बात करें या रावलपिंडी की बात करें, खासतौर पर शाली कमार ग्राउंड में? ठीक है जी, इस्लामाबाद में ज़्यादातर बच्चे तो इस्लामाबाद से आते हैं। कुछ बच्चे पिंडी से भी आते हैं, बैरिया से भी आते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इस्लामाबाद के करीब तरीन सारे सेक्टरों से आते हैं। तो अभी तक ये हमारे जो अकेडमी है या हमारी क्लब भी है ये शालीमार ग्राउंड में, तो कितने के बच्चे जो नेशनल टीम में जा चुके हैं, कोई एक दो का नाम बताएंगे? लेकिन जी अभी तक तो हमारा इधर से मूसा खान खेला है, बिल्कुल मूसा खान पाकिस्तान खेला है, PS खेला है, अभी टेस्ट कैप उसको मिली है, टेस्ट खेल के आया है। और इसी तरह जो नादरन रीजन, मतलब कि काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास, उसमें कामरान रियाज है, रियाजुद्दीन है, और इस तरह काफ़ी बच्चे हैं जो इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि उसमें शामिल, हसैन है, सुदेश है, इस तरह के 4-5-6 बच्चे हैं कि वो बिल्कुल किसी वक्त भी आगे आ सकते हैं वो इंशाल्लाह आगे बड़ी क्रिकेट के लिए। तो आप समझते हैं कि जो पिचेज जो बनाई जाती हैं आपकी सुपरविजन में, वाकई ये स्टैंडर्ड की हैं क्लब लेवल की, या अभी इसमें कोई और बेहतरी चाहिए होती है? नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास के मैच होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लिहाज के सारे इसमें जो पिच है उसमें उसी लिहाज से हम बनाते हैं, ठीक है। चाहे छोटे बच्चे को, अगर 10 साल का बच्चा भी खेल रहा है उसको भी हम इंटरनेशनल पिच के पे खिलाते हैं, और सीनियर खेल रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के मैच भी इधर होते हैं, 19 के होते हैं, रीजन के होते हैं, सारे मैच होते हैं। इस वजह से पिछे हम बिल्कुल हर मैच के लिए पिच तकड़ी बना के देते हैं। बहुत ही शुक्रिया अपना रियाज साहब, आपने बड़ा टाइम दिया हमारे चैनल को और सुनने वालों को, देखने वालों को, और इस ग्राउंड के हवाले से हमने, क्योंकि मैं भी आता हूँ, काफ़ी अरसे से आता हूँ, मैचेस भी करवाए हमने, और इनका ये ग्राउंड को बड़ा जायजा था। असल है बड़े बड़े मैचेस भी होते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल भी होते हैं और कुछ एग्जीबिशन मैच भी होते हैं, और ये ग्राउंड एक तो इस्लामाबाद के जो मेन एरिया में बड़ा शालीमार ग्राउंड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग जॉगिंग के लिए भी आते हैं, रनिंग के लिए भी आते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं, यहाँ भी एक्सरसाइज जिम भी बना हुआ है साथ, इसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगे हुए हैं CDA की तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह के लोग आते हैं इस ग्राउंड में? देखिए जी, इस तरह हर एज के लोग आते हैं, यंग भी आते हैं, ज़्यादातर बूढ़े भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, सारे वो एक्सरसाइज अपनी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कॉर्नर में हमारी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें वो एक्सरसाइज करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये सेफ़ पुरमन इलाका है, इसमें ज़्यादा लोग अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं और अपनी बात करते हैं। इसमें मैंने देखा कि इंटरनेशनल लोग भी आते हैं यहाँ पे, डिप्लोमेट भी आते हैं, जो सफीराना है वो भी आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको सेफेस्ट समझा जाता है इलाके को। जी जी जी, बिल्कुल, इसी वजह से अभी भी इस वक्त काफ़ी मतलब लोग बात कर रहे हैं,
और सारे पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिक्स सियासत वाले हैं, मीडिया वाले हैं, किसी शोबे से भी उनका तल्लुक है, फौज से है, अपना पुलिस से है, सिविल है, सारे लोग इधर आते हैं, वाक करते हैं। थैंक यू अपना रियाज साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत सुनने वालों को, देखने वालों को मैसेज दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें हमारे चैनल को टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।